Okay, so let us start with next question, next example of 1D motion. Example 3.2, a stone is thrown vertically upwards from the ground with a velocity of 15 meter per second. At the same time, a ball is dropped from a point directly above the stone from a height of 30 meter. At what height from the ground will the stone and the ball meet, and after how much time? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं और ऊपर से बोल के रखा है कि जी की वैल्यू आपको यूज करनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द इज ऑफ कैलकुलेशन. तो क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल. आपके पास लेट्स से दिस इज ग्राउंड लेवल, सो दिस इज ग्राउंड जी. देन यू हैव अ स्टोन विच इज थ्रोन वर्टिकली अप. तो लेट अस टेक अ स्टोन विच इज थ्रोन वर्टिकली अप. तो दिस इज अ स्टोन. Okay, we are throwing this stone vertically upwards with initial velocity of 15 meter per second. At the same time, a ball, so there is a ball which is being dropped from above the stone. Okay, so ek building se isko drop kar diya hoga maan lo. So there is some building from which this stone is dropped. Okay, so there is some tower, any building, uske upar se isko drop kar diya. Right, so we are dropping this stone. So आपको ये बताया है दिस हाइट इज हाउ मच बताया उन्होंने 30 मीटर. सो हाइट इज 30 मीटर राइट. और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 15 मीटर पर सेकेंड. दे आर आस्किंग यू एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. दिस इज इंपॉर्टेंट. एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड विल द स्टोन एंड द बॉल मीट. तो स्टोन जो है वो ऊपर जाएगा और ये नीचे आ रहा है. सो दे विल मीट एट सम पॉइंट. सो दे आर आस्किंग यू एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दे विल मीट एंड आफ्टर हाउ मच ऑफ टाइम. सो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करने के लिए यू हैव टू टेक टू केसेस. केस नंबर वन बिलोंग्स टू स्टोन एंड केस नंबर टू इज ऑफ बॉल. तो लेट्स से जिस पॉइंट पे ये मीट होंगे उस पॉइंट पे स्टोन ने डिस्टेंस कवर किया एस स्टोन और बॉल ने डिस्टेंस कवर किया एस बॉल. वन बाय वन. सो व्हाट इज गिवन टू अस. नंबर वन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितना 15 मीटर पर सेकेंड. एंड व्हाट एल्स, इनिशियल हाइट ऑफ द बॉल है ना. तो मैं इसको टोटल हाइट बोल देता हूं 30 मीटर. टोटल हाइट इज 30 मीटर. एंड आपको बोला है कि जी की वैल्यू आपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन. देन यू आर सपोज टू फाइंड टू थिंग्स. नंबर वन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, मैं इसको बोल देता हूं एस जी, बाद में देखेंगे नाम क्या देना है. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड दे विल मीट. नंबर टू, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट. तो इसको सॉल्व करने के लिए एंड ऑफ कोर्स यू विल नीड सम फॉर्मूलास, यू विल नीड सम फॉर्मूला. आपको एक फॉर्मूला तो पक्का लगने वाला है वो है डिस्टेंस कवर्ड का, दैट इज एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AD² राइट. जस्ट बी केयरफुल व्हाइल सॉल्विंग. क्वेश्चन बहुत इजी है. फॉर्मूलास कब और कैसे यूज करना है वो पहले समझ लो. एक ही फॉर्मूला है हमारे पास विच वी विल बी नीडिंग हियर. तो ऐसे केसेस में इसको स्प्लिट करो, मेक इट टू केसेस. केस वन बिलोंग्स टू स्टोन राइट. एंड फॉर स्टोन व्हाट यू कैन डू इज एस स्टोन इक्वल टू यू स्टोन यूटी प्लस 1/2 AD². वेरी गुड गुड. देन एस स्टोन इक्वल टू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन 15 t. And minus, why minus? Because yes, it is thrown upwards, मतलब it is going against gravity, तो a की value आएगी minus g. तो यहाँ पे लिखोगे 1/2 g t² equation number 1. ये हो गया stone का case. अब देखते हैं case number 2. Case number 2 belongs to ball. तो यहाँ पे भी आप बोलोगे s ball equal to u ball t plus 1/2 AD² s ball. Initial velocity of the ball is zero. Q zero, क्या बोला है? पढ़ो. It's dropped.
तो याद रखना ये ड्रॉप रिलीज ऐसे वर्ड जब हो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, ऐसे बोल सकते हैं इट इज थ्रोन, थ्रोन मतलब यू आर गिविंग सम इनिशियल वेलोसिटी, पर यहाँ पे क्या बोला है ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है रिलीज, मतलब यू हैवंट गिवन एनी इनिशियल वेलोसिटी। एग्जाम्पल, अ सिंपल एग्जाम्पल, सो लेट्स से आई हैव दिस ऑब्जेक्ट, इसको मैंने रिलीज कर दिया, ड्रॉप कर दिया, मैं इसको थ्रोन भी बोल सकता था, let it be, तो इसको throw भी कर सकते हो आप, so you can also give initial velocity to this, so s ball equal to u ball is zero, so drop मतलब initial velocity is zero, zero plus one by two, यहाँ पे minus g नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा plus g t square, so you have here s ball as half g t square, so s ball is equal to half g t square equation number 2, okay, right, so then obviously एक चीज आपको यहां पे समझना बहुत जरूरी है, जब वो दोनों मिलेंगे when they will meet or cross each other, so when stone and ball, ये है ground level, यहां से आपने फ्रॉम दिस लेवल यू हैव रिलीज द बॉल एंड दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच यू हैव थ्रोन द स्टोन, तो बेसिकली द पॉइंट वेयर दे मीट, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगने वाला है, द पॉइंट वेयर दे मीट दिस इज एस स्टोन दिस इज एस बॉल, व्हेन दे मीट यू विल हैव एस बॉल प्लस एस स्टोन इक्वल टू टोटल हाइट एच, दिस इज वॉट यू विल बी गेटिंग, okay, so therefore here you can write SB, what is SB, half GT square, half GT square, what is S stone, stone ke liye kya aaya tha 15T minus, yes 15T minus half GT square equal to total height kitna tha 30, to yahan pe ye aur ye ho gaya cancel, therefore 15t equal to 30, therefore t equal to 2 second, मतलब 2 second के बाद they are going to meet, तो time तो मिल गया, now what else they are asking you, they are asking you कि ground से कितने distance पे they will meet, अभी ground से किसका distance measure कर रहे हो, stone का कि ball का, stone का, मतलब यहाँ पे ये actually आपको पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन इन दैट मच ऑफ टाइम, क्वेश्चन को समझना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल रिपीट बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग यू, तो आपको क्या पूछा है एस स्टोन, एस स्टोन कैसे फाइंड करोगे, इक्वेशन नंबर 1, इसमें टी की वैल्यू कहां से आएगी, ये हमने कैलकुलेट किया, सो पुट टी इक्वल टू 2 सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर एस स्टोन इक्वल टू क्या था 15t माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, तो ये आएगा आपका ऐसा, और जी की वैल्यू क्या बोला है 10, टू फॉर द इज ऑफ कैलकुलेशन यू आर सपोज टू टेक 10, कैंसल एंड कैंसल, तो ये आ गया आपका 30 माइनस 20, व्हाट इज 30 माइनस 20 10 मीटर, तो दे विल मीट एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली सिंपल, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड एंड इमेजिन, ऑफ कोर्स आपके पास एक स्टोन है जो आपने ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया, तो यू आर थ्रोइंग दिस अप एंड विद इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज 15 मीटर पर सेकेंड, देन यू हैव अ बॉल व्हिच यू आर रिलीजिंग राइट फ्रॉम द अबो ऑफ दिस स्टोन, तो इस बॉल को आपने रिलीज किया, रिलीज मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज जीरो, तो वर्ड्स आर रियली इंपॉर्टेंट, थ्रोन मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज समथिंग, रिलीज्ड और ड्रॉप्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, गुड, देन दिस बॉल विल फॉल डाउन, दिस स्टोन विल गो अप एंड एट सम पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर, दे विल कोलाइड विद ईच अदर, दे विल मीट ईच अदर, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर, जो बोलना होगा वो, तो आपसे पूछा था कि कितने टाइम के बाद दे विल क्रॉस ईच अदर एंड व्हाट एट व्हाट हाइट दे विल क्रॉस ईच अदर, गिवन द टोटल हाइट ऑफ द बॉल इज 30 मीटर,
तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं स्टोन के लिए, और बॉल के लिए भी s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं. सो वी कैन अप्लाई s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर फॉर बोथ द केसेस. तो यू विल हैव s स्टोन एंड हियर यू विल हैव u स्टोन एंड हियर यू विल हैव s बॉल u बॉल एंड ऑल दिस यू हैव टू सॉल्व. तो स्टोन के लिए कर लेंगे s stone equal to what was initial velocity of stone 15, very good, 15t minus y minus because stone is going against gravity, so a ki jagah pe likhoge minus g t square or half to tha hi, so half tha, to half a ki jagah pe minus g and t square. Here it will be s ball will be equal to ub, what is ub, zero. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो, तो जीरो प्लस प्लस क्यू, क्योंकि ये बॉल जो है ये इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, तो यू विल बी राइटिंग प्लस जी हियर, तो वन हाफ जी टी स्क्वायर, तो दिस इज वन हाफ जी टी स्क्वायर, राइट. अब व्हाट एल्स डू यू नो, आपको और क्या इंफॉर्मेशन पता है, जब ये दोनों क्रॉस होंगे तो जितना डिस्टेंस बॉल ने कवर किया एस बी और जितना डिस्टेंस स्टोन ने कवर किया एस एस टी, इन दोनों का एडिशन मिलेगा टोटल हाइट. बॉल इज कमिंग एस बी डिस्टेंस, स्टोन इज गोइंग एस एस टी डिस्टेंस एंड टोटल इज हाइट. ये आपके दोस्त जैसा है ना, दोस्त मिलना है, कॉल किया, लेट्स मीट. अरे पर तेरा घर बहुत दूर है, 30 किलोमीटर. एक काम कर, वो रास्ते में कैफे है, हाफ वे आई विल कम हाफ वे यू कम. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, 30 किलोमीटर. तो हाफ वे स्टोन विल गो एंड हाफ वे बॉल विल कम. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टोन प्लस बॉल इज 30 मीटर इन दिस केस. ओके, सो यू विल हैव दिस. नाउ मतलब इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करोगे तो एस बॉल प्लस एस एस टी इक्वल टू टोटल हाइट एच. एस बी इज हाफ जी टी स्क्वायर, एस टी एस एस टी इज 15t माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 30. ये और ये कैंसल, तो 15t इक्वल टू 30, मतलब आपको मिल गया t इक्वल टू 2 सेकेंड. टी इक्वल टू 2 सेकेंड मिल गया, तो टाइम तो मिल गया. सो दे विल क्रॉस ईच अदर, मीट ईच अदर आफ्टर 2 सेकेंड. अब पूछा था कि ग्राउंड से कितना डिस्टेंस, तो ग्राउंड से कितना डिस्टेंस, तो ग्राउंड से किसने स्टार्ट किया, स्टोन. हाँ तो स्टोन का डिस्टेंस पूछा है, दैट्स इट. तो स्टोन के डिस्टेंस में जो भी फॉर्मूला है, पुट टी इक्वल टू 2. So if you put t equal to 2, you get 15 into 2 minus half g ki value bola hai, use 10 for the ease of calculation. Very good. Cancel and cancel. This is 30 minus 20, that is 10 meters. So from ground, they will meet at 10 meters. Agar pucha hota, what is the distance measured from the initial point of ball? 20. Okay, 10. Niche se to upar se 20 hi hoga. So this is how you are supposed to solve this question. Next question, the position vectors of 3 particles are given by, तो हमारे पास 3 particle है और तीनों का position vector दिया है. By the way, if you read the question properly, you have 5 i cap, 5 j cap, you have 5 t i cap, 5 t j cap, 5 t i cap, 10 t square j cap. मतलब ये 2D motion का case है. The motion is two-dimensional motion. So, ये जो तीनों पार्टिकल है, they are moving in two dimensions. So, ऐसा है, you don't have to draw this diagram, but in any case, I am just showing you what they are telling you here. So, ये पार्टिकल 1 मान लो, ये पार्टिकल 2 मान लो, ये पार्टिकल 3 मान लो. So, these are in two dimensions. क्योंकि i cap, j cap, मतलब x और y. i cap, j cap, मतलब x and y. i cap and j cap, again x and y. तो पोजीशन वेक्टर आपको दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. तो देखो यहाँ पे टाइम दिखता है, यस. यहाँ पे भी टाइम है, यस. डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ईच ऑफ दिस पार्टिकल इन SI यूनिट्स. तो व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन इज सबसे पहले पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर एक्स वन बार इक्वल टू 5 i cap प्लस 5 j cap, दूसरे पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर 5 t i cap प्लस 5 t j cap,
एंड देन थर्ड पार्टिकल का पोजिशन वेक्टर 5t i cap प्लस 10t स्क्वायर j cap. तो दिस इज व्हाट यू हैव. आपको फाइंड करने के लिए बोला है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर ईच. सो यू आर सपोज टू फाइंड नंबर वन वेलोसिटी फॉर फर्स्ट पार्टिकल, एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट पार्टिकल, वेलोसिटी फॉर सेकेंड पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन फॉर सेकेंड पार्टिकल, वेलोसिटी फॉर थर्ड पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन फॉर थर्ड पार्टिकल. सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू फाइंड. मैंने जानबूझ के यहाँ पे उसके ऊपर बार लिखा है, क्योंकि होता क्या है समटाइम्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोला है तो आप मैग्नीट्यूड निकाल के खत्म करते हो, मतलब यू डोंट रियली फाइंड आउट डायरेक्शन. लेकिन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको याद रखना है कि डायरेक्शन ही स्पेसिफाई करने पड़ेंगे. तो ऑफकोर्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बट दोज हु हैव नॉट येट वेंट टू चैप्टर नंबर टू उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. मैं बता देता हूं, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं टू फाइंड आउट वेलोसिटी. जिनको डेरिवेटिव नहीं पता डोंट वरी, दिस आर जस्ट बेसिक फॉर्मूलास. तो मैं बता दूंगा ये फॉर्मूला ऐसा अप्लाई करो, दैट्स इट. तो फॉर्मूलास आई विल टेल यू हाउ टू यूज. नंबर टू, अगर आपके पास वेलोसिटी है उसका डेरिवेटिव लो एंड यू गेट एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन इज डीवी बार बाय डीटी, वेलोसिटी इज डीएक्स बार बाय डीटी. दिस इज ऑल यू हैव टू डू. एंड तीसरा, आपको डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने हमेशा बताया था कि ऑलवेज टेक tan थीटा. tan थीटा इज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट. तो ये तीन ही चीजें हमको लगने वाली है, विच इज वेरी सिंपल. तो विल स्टार्ट विथ फर्स्ट. तो एक काम करते हैं, वी विल डू दिस इन कंपैरिजन, तो फास्ट होगा ये क्वेश्चन. सो तीनों पार्टिकल का एक साथ सॉल्व करते हैं. लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर फॉर ऑल द थ्री पार्टिकल्स. ओके, तो पार्टिकल नंबर वन, उसका आपके पास पोजिशन वेक्टर है 5i cap प्लस 5j cap. आपको पता है वेलोसिटी वेक्टर इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर, और यहाँ पे पोजिशन वेक्टर में टाइम है ही नहीं, मतलब आप ले रहे हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एग्जाम्पल बताता हूँ जिनको डेरिवेटिव नहीं पता, जिनको नहीं पता समझ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल स्पेंड लिटिल बिट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग डेरिवेटिव्स. देखो ऐसा है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस. मान लो आपके पास एक फंक्शन है. अभी हाउ मेनी ऑफ यू डोंट नो व्हाट इज अ फंक्शन, डोंट नो व्हाट इज अ फंक्शन. ठीक, आई विल स्टिल टेल यू. एग्जाम्पल वाई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने एक्स चेंज किया तो वाई में चेंज होगा. y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x. इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ x, y विल चेंज. तो इन जनरल हम इसको बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x. मतलब जब हमने x चेंज किया तो क्या चेंज हो रहा है, y. दिस इज डेरिवेटिव. यहाँ पे आप x को बोलते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता किसी पे, इसलिए ये इंडिपेंडेंट. और y किस पे डिपेंड करता है, x पे. इसके लिए आप बोलते हो डिपेंडेंट वेरिएबल. रियल लाइफ एग्जांपल, क्लास के बाहर थोड़ा सा गर्म हो रहा है, उल्टा है, अब थोड़ा ठंडा लगेगा बाहर, नाउ इनसाइड इट इज वार्मर. ओके, तो एज आई एम चेंजिंग द पोजीशन, व्हाट इज चेंजिंग, टेम्परेचर. हाउ मच चेंज इज देयर इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन डिस्टेंस. मैंने 1 मीटर डिस्टेंस चेंज किया तो टेम्परेचर कितना चेंज हुआ उसको बोलते हैं डेरिवेटिव. इसको लिखते कैसा है, dt by dx, change in temperature with distance. इसी को आप स्लोप बोलते हो. सिर्फ यहाँ पे आप y और x जब लिखते हो फिर आप स्लोप निकालते हो. स्लोप क्या होता है, y2 minus y1 upon x2 minus. अरे ये dy by dx ही है, यही डेरिवेटिव है. तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप ओनली. सिर्फ इतना है कि स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप कैसे फाइंड किया था, 2 पॉइंट ले लिए थे, इसको बोला था x1 और इसका y कोऑर्डिनेट है y1,
इसका सेकेंड पॉइंट का एक्स टू और वाई टू, तो आपको स्पेसिफिकली पता है पॉइंट्स, तो आप बोलते हो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज स्लोप। अब हायर लेवल मैथमेटिक्स में स्लोप को बोलते हैं डेरिवेटिव्स, और हायर लेवल मैथमेटिक्स है तो फंक्शन भी डिफिकल्ट होंगे। अब इफ आई हैव फंक्शन समथिंग लाइक दिस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, फाइंड द स्लोप, अब स्लोप में फाइंड द डेरिवेटिव, सिर्फ नाम चेंज कर दिया स्लोप की जगह पे डेरिवेटिव। अब ऐसे टाइप को सॉल्व करने के लिए देर आर रूल्स, रूल्स ऐसे, अगर आपके पास x रेज टू n है और आपको डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यहां भी x यहां भी x, तो ये फॉर्मूला है आपके पास n x रेज टू n माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा फर्स्ट बताओ, टू इंटू एक्स रेज टू टू माइनस वन मतलब 2x, वेरी गुड। अब अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ 2x होगा तो 2 कांस्टेंट, कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे x का, तो dx dx क्या हो गया कैंसल, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। अगर मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ 2 है ये कितना आएगा 0, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट, वो x पर डिपेंड ही नहीं करता। एग्जांपल ये पेन, इसको मैं अब मेजर करूं इसका लेंथ, या इसका लेंथ मैं 10 साल के बाद मेजर करूं, चेंज होगा नहीं, अनलेस आई चॉप इट, मैं काट नहीं रहा हूं, जो है जैसा है वैसा ही रखा है, राइट तो इसका लेंथ चेंज हो रहा है क्या नहीं, विथ टाइम चेंज हो रहा है क्या नहीं, तो फिर मैं इसको लिखूंगा लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो, क्योंकि लेंथ चेंज ही नहीं हो रहा है ना विथ टाइम, आज भी वही कल भी वही परसों भी वही, so it will remain the same। तो याद रखना कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है जीरो, लेकिन कांस्टेंट के साथ अगर वेरिएबल भी आ गया तो पहले कांस्टेंट को बाहर निकालो फिर वेरिएबल का डेरिवेटिव देखो, तो यही इतना ही आपको लगने वाला है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। अब आप चेंज विद रिस्पेक्ट टू क्या देख रहे हो टाइम, यहाँ पे क्या है 5, t दिखता है क्या नहीं, मतलब 5 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या है जीरो, तो आप जब डेरिवेटिव लोगे तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है पहले पहले टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं फिर दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन ना पहले टर्म में टाइम है ना दूसरे टर्म में टाइम है तो डेरिवेटिव आ गया जीरो, तो पहले पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर क्या है जीरो, मतलब इसका इसका मतलब वेलोसिटी जीरो मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब पार्टिकल विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अब अगर वेलोसिटी ही जीरो है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा जीरो, हो गया पहला पहला पार्ट सॉल्व। अब दूसरा पार्ट फॉर पार्टिकल नंबर टू, फॉर पार्टिकल नंबर टू व्हाट वाज पोजीशन वेक्टर 5t i कैप प्लस 5t j कैप, तो 5t i कैप प्लस 5t j कैप, तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 बार फाइंड करने के लिए dx2 बार बाय dt, तो दिस इज d dt, इसको रीड ऐसे ही करते हैं d अपॉन dt नहीं d dt बोलते हैं, तो दिस इज हाउ यू रीड इट 5t i कैप प्लस 5t j कैप। अब वापस से वही लॉजिक, पहले टर्म का डेरिवेटिव ले लो एंड देन प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव ले लो, अब इसमें से क्या कांस्टेंट है 5 को बाहर निकालो, और आई कैप जे कैप सिर्फ डायरेक्शन से ही, दीज आर ओनली डायरेक्शन, तो उसको बाहर ही लिख दो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप लिखोगे डी टी बाय डी टी, यहाँ पे भी 5 जे कैप डी टी बाय डी टी, तो डी टी बाय डी टी इज 1, तो ये आ गया आपके पास 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ये आपको मिल गया वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, मतलब ये सेकेंड पार्टिकल इज इन मोशन, तो जब वेलोसिटी नॉन जीरो है तो डायरेक्शन चाहिए, मैंने अभी भी बताया था डायरेक्शन के लिए क्या करोगे टैन थीटा, और बाय द वे डू यू रिमेम्बर आई कैप के साथ जो भी नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग एक्स कंपोनेंट, और वाई के साथ जो आता है जे कैप के साथ जो आता है वो वाई कंपोनेंट, तो डेफिनेटली ये हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये हो गया वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसका सेकेंड पार्टिकल का, तो 2x और हाँ 2 सिंपल डन, यू हैव वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, तो आपको दो चीजें करनी है,
एक तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. कैसे फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर. एक्स कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 5. जब मैं एक्स कंपोनेंट बोलता हूं तो आई कैप नहीं लिखना है, सिर्फ उसके साथ जो नंबर है वो, तो 5 का स्क्वायर और ये भी 5 का स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ 50 मतलब 25 × 2 मतलब 5√2. तो ये आ गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. और देखो जब मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाला है तो मैंने बार बार लिखा नहीं है इसके ऊपर. सो यू आर जस्ट टेलिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब व्हाट इज स्पीड. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड. अब डायरेक्शन, डायरेक्शन बताना जरूरी है. डायरेक्शन ऑफ v2 बार f, मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्शन के लिए टैन थीटा लेते हैं और बाय डेफिनेशन टैन थीटा इज y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट. तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, देन यू विल हैव हियर टैन थीटा एज व्हाट इज y कंपोनेंट 5, व्हाट इज x कंपोनेंट 5, 5 बाय 5 दैट इज 1. तो टैन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है? 45 डिग्रीज पे. मतलब द पार्टिकल इज मूविंग नॉर्थ ईस्ट. कैसे नॉर्थ ईस्ट? ये डायरेक्शन यू शुड रिमेंबर, यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन एट डायरेक्शन. मैंने बताया था ईस्ट मतलब आई कैप और नॉर्थ मतलब जे कैप. एक है ईस्ट कंपोनेंट, एक है नॉर्थ कंपोनेंट और एंगल आया 45. 45 मतलब 45 विथ ईस्ट, 45 विथ नॉर्थ, तो नॉर्थ ईस्ट. और याद रखना अगली बार से जब x और y दोनों कंपोनेंट इक्वल हो तो एंगल 45 ही बनता है. जब x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों इक्वल हो तो एंगल कितना आएगा? 45. सो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है सेकेंड पार्टिकल का? नॉर्थ ईस्ट. सो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज डायरेक्टेड नॉर्थ ईस्ट. ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, आई डोंट केयर. इतना किया है ना, ठीक है. इफ यू डू ओनली अप टू एंगल ओके, आई विल गिव यू फुल मार्क्स, नो प्रॉब्लम विद दैट. गुड. अभी क्या बाकी रह गया? अरे नहीं, थर्ड नहीं, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल विच इज इक्वल टू जीरो. क्यों जीरो? क्योंकि डू यू सी वेलोसिटी में कहीं पे भी टी था क्या? नहीं था. मतलब वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम. जब टाइम ही नहीं है इसमें तो टाइम का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे? मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? जीरो. तो इट इज इक्वल टू जीरो. सो द पार्टिकल नंबर 2 इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सेलरेशन हियर. तो इट इज जस्ट लाइक पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली moving with 1 meter per second, 1 meter per second, 1 meter per second in the same direction. यहाँ पे 1 meter per second नहीं है, यहाँ पे 5√2 meter per second है in the same direction. So velocity is constant. There is no acceleration. पहले particle में velocity नहीं था because the particle was at rest. And in case of second particle, you have constant velocity but zero acceleration. तो ये याद रखना, this is what you need to know. Okay, then particle number 3. Particle number 3 का जो case है वो है x3 bar. What is x3 bar? आपको याद होगा 5t i cap plus 10t square j cap. 5t i cap plus 10t square j cap. तो आपको अगर वेलोसिटी फाइंड करना है तो वापस से क्या करोगे? डेरिवेटिव लोगे. तो अगेन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 5t एंड 10t स्क्वायर सेपरेटली. मैं फिलहाल आई एम जस्ट पुटिंग डाउन ऑल द स्टेप्स हियर. सो यू हैव देयरफॉर v3 बार इक्वल टू पहले टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव. एंड दोज आर आल्सो डूइंग जेई नीट, ये बहुत लगने वाला है. अब फ्रॉम टुमारो वी विल बी यूजिंग दिस ऑल दिस देयर आल्सो. तो 5 और आई कैप बाहर, dt/dt 1, यहां पे 10 और जे कैप
बाहर यहाँ पे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ गया वन, ये आ गया आपका फाइव आई कैप प्लस टेन जे कैप, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा टू टी। अभी बताया था मैंने एक्स रेस टू टू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वॉज टू एक्स, तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी विल बी टू टी, तो ये आ जाएगा टू टी। ओके, तो दिस इज टू टी, 2 into t, so this is equal to 5 i cap plus 20 t j cap, ये आ गया velocity of third particle, clear? यहां तक पक्का? अब अगला step क्या किया था हमने यहाँ पे, magnitude निकाला मतलब speed निकाला, तो अभी speed find करो, कैसे find करोगे? x component, लेकिन किसका? third particle का, y component किसका? third particle का, तो आपको मिल जाएगा थर्ड पार्टिकल का स्पीड वी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वी थ्री वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी थ्री एक्स, कितना है 5 स्क्वायर इज 25 प्लस ये कितना है 20 टी का स्क्वायर 400 टी स्क्वायर, इसको इतना ही रखो बिकॉज यू डोंट नो वैल्यू ऑफ टी, तो उसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो जस्ट कीप इट लाइक दिस, छोड़ दो एज इट इज, हो गया। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या करते हो, tan थीटा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, व्हाट इज y कंपोनेंट 20t, व्हाट इज x कंपोनेंट 5, 1 जा एंड 4 जा, तो tan थीटा इज 4t, दैट्स इट, यू डोंट नो व्हाट इज t, यू कैन नॉट से इट इज नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कुछ नहीं बता सकते बिकॉज आपको t नहीं पता, टी पता होता तो एक वैल्यू मिलती, जैसे यहाँ पे वैल्यू मिली 45 डिग्री, वहां पे नहीं मिल सकता है, तो ठीक है। अब अभी इसका एक्सेलरेशन बाकी है, हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डीवी थ्री बार बाय डीटी, तो डी डीटी ऑफ व्हाट वाज वी थ्री 5 आई कैप प्लस 20 टी जे कैप, ओके, तो ये you have to find this out, simple, पहले टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरे टर्म का डेरिवेटिव, पहला टर्म कांस्टेंट है डेरिवेटिव जीरो, दूसरे टर्म में से 20 जे कैप कॉमन निकालोगे, डीटी बाय डीटी कैंसल कैंसल, तो एक्सेलरेशन इज 20 जे कैप, तो मिल गया आपको एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज जे कैप मतलब नॉर्थ, राइट तो कंपेयर करोगे तो पहला पार्टिकल रेस्ट पे था, दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे नहीं है, मूव हो रहा है बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड नो एक्सेलरेशन, और तीसरा पार्टिकल इज नॉट एट रेस्ट, इट इज मूविंग बट इट इज मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी एंड हेंस देयर इज एक्सेलरेशन, और समझ में तो यहीं पे आ गया था वेलोसिटी के इक्वेशन में टाइम का आना, मतलब विथ टाइम वेलोसिटी विल चेंज, अगर मैं टी की वैल्यू जीरो डालता हूं तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 5 कैप, अगर 1 डालता हूं तो 5 और ये आ जाएगा 20, तो अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, अगर मैं टी की वैल्यू 2 डालता हूं तो 5 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, तो 3 डालता हूं तो 5 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, इंपॉर्टेंट इज नॉट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेचिंग आउट फिजिक्स, फिजिक्स निकालना है, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, and it looks like maths, yes, but you are learning physics here. So by the way, kabhi bhi yaad rakho. Now let us quickly look at what we have. X, X mein time hai kya? X1 mein nahi. Jab ye time yahan pe dikh nahi raha, to ye time independent hai. Matlab time kuch bhi ho, this is going to be constant. Matlab position vector is fixed. Position is not changing. Matlab velocity zero, acceleration zero. Very good. दूसरा, do you see t here? Yes. मतलब with time position is changing. जब position change होता है तो motion होता है, motion होता है तो velocity होता है. तो ऐसे case में velocity will be non-zero. तो आया क्या velocity non-zero? Yes. तो you have 5 i cap plus 5 j cap. लेकिन velocity में time है क्या? नहीं. मतलब velocity will always remain constant. मतलब acceleration should be zero. तो acceleration zero आया था क्या? Yes. एंड थर्ड केस, एक्स में टी दिखता है, यस, मतलब पोजीशन विल चेंज विद टाइम, वेलोसिटी में टी दिखता है क्या, यस, मतलब वेलोसिटी विल आल्सो चेंज विद
टाइम, इसका मतलब देर विल बी एक्सेलरेशन, सो देर इज एक्सेलरेशन नॉन जीरो, बट एक्सिस में टाइम दिखता है क्या? नहीं, मतलब दिस इज अ केस ऑफ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. डन. So the thing is, you need to know, आप directions कैसे specify करते हो. Positive x मतलब east बोलते हो, west मतलब negative x होता है, north मतलब positive y and south मतलब negative y. Okay? तो पहले quadrant में x और y दोनों positive positive होते हैं. मतलब अगर आपके पास x component और y component positive आया, मतलब यू आर समवेयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब नॉर्थ ईस्ट. अगर 45 आया तो नॉर्थ ईस्ट. ओके, एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज 45 फ्रॉम ईस्ट एंड 45 फ्रॉम नॉर्थ. इफ यू हैव एक्स कंपोनेंट एज नेगेटिव, एक्स कंपोनेंट एज नेगेटिव एंड वाई कंपोनेंट एज पॉजिटिव, यू आर नॉर्थ वेस्ट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. अगर आपके पास एक्स और y दोनों नेगेटिव नेगेटिव आते हैं, माइनस फाइव, मतलब यू आर हियर इन द थर्ड क्वाड्रेंट विच इज साउथ वेस्ट. एंड इफ यू हैव x पॉजिटिव बट y नेगेटिव, यू आर इन द फोर्थ क्वाड्रेंट विच इज साउथ ईस्ट. सो डिपेंड्स, अब जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, वी हैड प्लस फाइव एंड प्लस फाइव, मतलब y और x दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब यू आर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज नॉर्थ ईस्ट इफ एंगल इज 45. ओके, अगर एंगल 30 डिग्री हो गया तो यू कैनॉट से नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज 45 टू ईस्ट एंड 45 टू नॉर्थ. सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल स्टॉप एट दिस क्वेश्चन.